नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब धीरे धीरे काबू में आने लगी है। अब नए मरीजों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। वहीं कोरोना से होने वाली मौतें भी कंट्रोल में आ रही हैं। वहीं वैक्सीन की रफ्तार भी तेज होने लगी है। मंगलवार को भी हैदराबाद में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का सबसे बड़ा शिपमेंट पहुंचा। करीब 56.6 मीट्रिक टन का शिपमेंट हैदराबाद पहुंचा। इनमें करीब 30 लाख वैक्सीन की डोज है, जो जल्द ही देश में इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होंगी। स्पुतनिक वी वैक्सीन की एक और ये खेप रूस से मंगलवार सुबह ही हैदराबाद पहुंची है। रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड यानी RDIF के साथ समझौते के तहत हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी वैक्सीन का आयात कर रही है। इस वैक्सीन का भारत में भी जल्द उत्पादन शुरू होने वाला है। वहीं भारत में भी इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया है, लेकिन भारत में बनने वाली वैक्सीन जुलाई अगस्त तक बाजार में आ सकती है। ऐसे में शुरुआती इस्तेमाल के लिए भारत को लगातार रूस से ही स्पुतनिक वी भेजी जा रही है। भारत में स्पुतनिक वी का इस्तेमाल शुरू हो गया है। जून के दूसरे हफ्ते में ये वैक्सीन कुछ प्राइवेट अस्पतालों में मिलनी भी शुरू हो जाएगी। कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कोविन पोर्टल पर भी स्पुतनिक वी का ऑप्शन दिखा रहा है। ऐसे में दिल्ली में भी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी इस महीने मिलने की संभावना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि स्पुतनिक वी वैक्सीन हमें जून में मिल जाएगी। यानी कुल मिलाकर देखें तो अब तीन हथियार कोरोना से जंग लड़ेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।